वेलकम स्टूडेंट्स, आर टॉपिक इज़ द वाइज विलेजर्स एंड वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 84, द सेकेंड पैराग्राफ। द रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ट बिटवीन देयर टाउन एंड एन अदर वन अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे। रोड जो थी वो बनाई जानी थी कस्बे के दरमियान और एक दूसरे यानी दो कस्बों के दरमियान बनाई जानी थी, जो कि 50 किलोमीटर्स लंबी थी। अ लार्ज मैप ऑफ द एरिया वाज स्टडीड, एक बहुत बड़ा नक्शा उस एरिया के बारे में उसको स्टडी किया गया, देखा गया। एंड रूट वाज सून, रूट होता है रास्ता, किसी जगह से गुजरने का रास्ता जो होता है, वाज सून वर्कड आउट, और बहुत जल्द रास्ते पर काम शुरू हो जाना था। द पीपल डिसाइडेड हाउ मच मनी दे वर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग द रोड, लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन्हें कितना पैसा खर्च होगा उनका इस रोड को तामीर करने के लिए। फॉलोइंग दिस मीटिंग, इस मीटिंग के फौरन बाद वर्क बिगन एंड काम जो था वो शुरू हो गया, बिगन का मतलब स्टार्ट, एंड द न्यूज़ ऑफ द रोड, और रस्ते के बारे में खबर रीच्ड पहुंची द पीपल इन द विलेज, गांव में लोगों तक। सम ऑफ द विलेजर्स गॉट टुगेदर, कुछ जो गांव के लोग थे वो इकट्ठा हुए, एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर, और उसके बारे में मज़ीद जो थी वो मालूमात लेने के लिए गए। व्हेन दे रीच द टाउन, जब वो कस्बा में पहुंचे, दे वेंट स्ट्रेट, तो वो सीधे गए टू द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ज़िले जो ऑफिसर था नाजिम था उसके पास। एंड लुक्ड एट द मैप, और नक्शा देखा। व्हेन दे रिटर्न्ड होम, जब वो वापस घर आए, दे कॉल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की। ऑन द वन ऑफ द मैन हु हैड सीन द मैप सेड, एक जो शख्स था जिसने मैप को देखा था उसने कहा, फ्रेंड्स टुडे सम ऑफ अस सा द मैप ऑफ द न्यू रोड, हम में से कुछ लोगों ने नक्शा देखा है नई सड़क का। इट इज़ गोइंग टू पास क्लोज टू आर विलेज, वो हमारे गांव के बहुत पास से गुजरेगी। इट विल गो थ्रू सम ऑफ आर बेस्ट फील्ड्स, और वो हमारे कुछ बहुत ही अच्छे खेतों से गुजरेगी। एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड, और वो तबाह हो जाएंगे। हाउ कैन वी स्टॉप दिस रोड, हम इस रोड को कैसे रोकें। द विलेजर्स वर वेरी एंग्री, देहाती जो थे वो बहुत गुस्सा हुए। दे सैट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक मीटिंग करते रहे। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, दे थॉट अप अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया। अ वीक आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के एक हफ्ता बाद, अ मैन फ्रॉम द टाउन केम टू द विलेज, एक शख्स कस्बे से गांव में आया। एंड फाउंड अ ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल बिसाइड द रिवर, और उसने ये देखा कि एक बहुत बड़ा हजूम लोगों का दरिया के पास इकट्ठा है। द मैन फ्रॉम द टाउन वाज क्यूरियस, कस्बे से आया शख्स बहुत मुतजस्सिस हुआ, उसने जानने की मज़ीद कोशिश की। ही वेंट ओवर टू वेयर द पीपल हैड गैदर्ड, वो वहाँ पर गया जहाँ पर लोग इकट्ठे थे। ही स्क्वीज्ड थ्रू द क्राउड, उसने हजूम में से जगह बनाई। स्क्वीज्ड का मतलब होता है अरेंज, मैनेज टू गेट इनटू थ्रू अ नैरो और रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, यानी बहुत कम जगह से गुजर कर जाना। एंड सॉ एन अमेजिंग साइट, और उसने एक बहुत हैरान कुन नज़ारा देखा। There were seven men standing on the one bank of the river, वहाँ पर सात लोग जो थे वो दरिया के एक किनारे पर खड़े थे। And seven men on the other, और सात लोग दूसरे पर। They were holding a thick rope stretched across the river, उन्होंने एक रस्सी जो थी वो पकड़ी हुई थी, stretched का मतलब होता है कस के पकड़ा हुआ था। In the middle someone had टाइड अ कप, जिसके दरमियान में किसी ने एक छोटा सा कप बांधा हुआ था। व्हाट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, आस्क द टाउन्समैन, कस्बे के शख्स ने पूछा। दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर,
ये दरिया से पानी ले रहे हैं, रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग क्लोज बाय, उस जो शख्स था उसने जवाब दिया, आंसर किया जो उसके पास खड़ा था। विद अ कप, एक कप से। आस्क द टाउन्समैन, कस्बे के शख्स ने पूछा, एक कप में? ओह यस, जी हाँ, रिप्लाइड द मैन, आदमी ने कहा। बट इट विल टेक आवर्स टू गेट अ बकेट फुल, लेकिन इससे तो एक बाल्टी घंटों में भरती होगी ले भरने में लेती होगी। सैड द टाउन्स मैन, कस्बे के शख्स ने कहा। यस सैड द मैन, जी हाँ, आदमी ने कहा। इट इज़ स्लो, ये बहुत आहिस्ता है। बट वी ऑलवेज़ गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस, लेकिन हम हमेशा दरिया से पानी ऐसे ही लेते हैं। इट्स अ स्लो वे, ये बहुत सुस्त काम है। बट इट टे ऑलवेज वर्क्स, लेकिन ये हमेशा काम करता है। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज वेरी सरप्राइज इंडीड, जो टाउन का कस्बे का शख्स था वो बहुत हैरान हुआ। ही स्क्रैच्ड हिज चिन, उसने अपनी ठोड़ी को रगड़ा। एंड सैड टू हिमसेल्फ, और खुद से कहा, दीज पीपल आर ऑल मैड, ये तमाम लोग पागल हैं। व्हेन ही गॉट बैक टू द टाउन, जब वो वापस कस्बे में गया। एंड टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स अबाउट व्हाट ही हैड सीन इन द विलेज, और उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने गांव में क्या देखा। दे लाफ्ड एंड लाफ्ड, और वो सब हंसने लग गए।